फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। एक्चुअली ये टॉपिक नहीं, इट्स अ ग्रुप ऑफ टॉपिक्स। तो बेसिकली हम क्या देखेंगे, आज मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज NDTL। ये बैंकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। दूसरी बात हम बात करेंगे व्हाट इज SLR, एंड इन द लास्ट वी विल टॉक अबाउट CRR। सो थ्री थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर। तो सबसे पहले बात करते हैं NDTL क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फुल फॉर्म देखिए, NDTL का मतलब है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अब देखिए यहां पर दो तरह की चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जितने भी बैंक्स हैं उन बैंक्स के पास जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कैसे। डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जब हमें नीड होगी हम बैंक में जाएंगे और अपनी डिमांड पर पैसा ले लेंगे। मान लीजिए मैंने बैंक में पैसा जमा किया 10,000 रुपए और मुझे जरूरत है 9,000 रुपए की, तो मैं बैंक में जाऊंगा और 9,000 रुपए का एक विड्रॉल फॉर्म फिल करके वो पैसा निकाल लूंगा। यानी कि वेन एवर आई नीड आई विल डिमांड फॉर दैट आई कैन गेट द मनी, क्योंकि मेरा ही पैसा है। इसके अलावा एक होती है डिमांड डिपॉजिट, जिसमें अकाउंट्स आते हैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आपने देखा होगा, और एक मिला होता है इनका कासा अकाउंट, ओके। इसके अलावा यानी बैंक के पास एक बार पैसा पहुंचता है डिमांड डिपॉजिट से और दूसरा पहुंचता है टाइम डिपॉजिट से। टाइम डिपॉजिट वो है जो हम एक बार पैसा इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। मुझे मेरे पास 10,000 रुपए आए और मैंने उस 10,000 रुपए को फिक्स कर दिया, तो उस फिक्स अमाउंट पर भी वो जो अमाउंट मैं फिक्स करूँ वो बैंक के पास रहेगा, लेकिन मैं उसको अपनी डिमांड पे विड्रॉल नहीं कर सकता। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही मैं उसको विड्रॉल कर पाऊंगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, एक होता है टाइम डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो बैंक के पास यही पैसा तो पहुंचता है, ठीक है। देखिए जैसे देखिए डिमांड डिपॉजिट में दो अकाउंट खुलते हैं, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, और टाइम डिपॉजिट में दो अकाउंट खुलते हैं, अगेन एक होता है रिकरिंग अकाउंट, एक होता है आरडी, और बेसिकली दूसरा अकाउंट होता है वो फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD। सो FD एंड RD इन टाइम डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट इन डिमांड डिपॉजिट। तो जितना भी पैसा जमा होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक करंट अकाउंट है और मेरे पास एक रिकरिंग अकाउंट है, तो जो भी पैसा मेरे पास जमा होगा, मेरे मान लीजिए मैं SBI बैंक में मैं जमा कर रहा हूँ, तो उस वो सारा की सारा पैसा, अगर मान लीजिए मैं ही एक उसका एक वो हूँ अकाउंट होल्डर हूँ उस बैंक में, तो जो जितना पैसा मैं जमा करूंगा यानी कि डिमांड का और टाइम का, वो सारा की सारा पैसा कहलाएगा बैंक की NDTL यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, ओके, याद रखिएगा। यानी कि वो बैंक की लाइबिलिटी है, चाहे वो डिमांड में जमा हुआ हो या वो उसमें टाइम डिपॉजिट में जमा हुआ हो। समझ में आ गया NDTL क्या है। अब हर एक बैंक NDTL अलग अलग होगी। जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक है SBI की अलग होगी, ICICI की अलग होगी, क्यों? क्योंकि दोनों ही जो बैंक है उन दोनों ही बैंकों में पैसा अलग अलग जमा हुआ, हो सकता है किसी में 10,000 रुपए हुआ हो, किसी में 1,00,000 रुपए हो गया हो। तो ये मुझ पर डिपेंड करेगा कि बेसिकली मैं उसमें किस अकाउंट में कितना पैसा रखता हूँ। जितना ज्यादा पैसा जिस बैंक में रखूंगा उसके NDTL उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो आई होप आपको NDTL क्लियर है। बैंक के पास अगर नर्सल में बताऊं तो बैंक के पास जितना भी पैसा आता है अकाउंट होल्डर्स का वो उसकी NDTL कहलाती है, और ये डे टू डे चेंज होती रहती है, क्योंकि हो सकता है कोई नया अकाउंट होल्डर जुड़ जाए या हो सकता है कोई हट जाए, तो ये सारी चीजें इसमें चेंज होती रहेंगी, याद रखिएगा। अब जो NDTL बन गई, तो मैं बात कर रहा हूं कमर्शियल बैंक्स की, ओके, जो NDTL बन गई उस NDTL का एक फिक्स अमाउंट बैंक को जमा करना पड़ता है RBI के चेस्ट में, यानी कि RBI के पास। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मान लीजिए किसी बैंक NDTL बनी 100 रुपीज, तो बैंक को ये एक उनका ये बाइंडिंग है उनके ऊपर कि 100 रुपीज का 4%, अभी करेंटली CRR 4% है, तो 100 रुपीज का 4% यानी कि 4 रुपए वो RBI के पास जमा करेंगे, तो बैंकों के पास कितना पैसा बचेगा 96 रुपीज। तो 96 रुपीज को बैंक कहीं भी लगा सकते हैं, शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, किसी को लोन पे दे सकते हैं, लेकिन जो 4 रुपए हैं वो उन्हें जमा करने ही करने हैं। तो ये 4% ही कहलाता है CRR, फुल फॉर्म होती है इसकी कैश रिजर्व रेशियो। तो दो बात याद रखिएगा CRR के बारे में, CRR हमेशा कैश में मेंटेन किया जाता है। दूसरी बात, CRR के ऊपर बैंक RBI बैंक्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती, वो जमा करना ही करना है। तो अभी करेंटली CRR 4% है, ये बैंकों के ऊपर बाइंडिंग होता है, क्लियर, समझ में आ गया। CRR NDTL का 4%, ओके। अब अगर हम बात करें SLR के बारे में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका मतलब क्या है, ये भी एक फिक्स अमाउंट होता है, करीब 20 और 21% अभी करीब चल रहा है, अगर मुझे याद नहीं आ रहा बेसिकली, अगर आपको पता है एग्जैक्ट परसेंट तो मुझे कमेंट में बताइए। तो ये जो CRR जो बैंकों ने बना लिया, CRR तो हो गया, अब जब SLR की जब बात आएगी
तो उसी एनडीटीएल का 100 रुपीज एनडीटीएल थी 4% एज अ सीआरआर दे दिया। अब उसी एनडीटीएल का 20% बैंक अपने पास रिजर्व में रखेंगे, आरबीआई को नहीं देंगे। लेकिन यहां बैंक के पास एक छूट होती है कि बैंक उस पैसे को किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, आप समझ पा रहे हैं। तो ये चीज है, यानी कि वो रख सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रख सकते हैं बैंक अपने पास उस पैसे को, या वो लोन पे भी उठा सकते हैं, बेसिकली किसी भी फॉर्म में उस पैसे को रखा सकता है। लेकिन सीआरआर हमेशा मेंटेन किया जाता था आरबीआई के साथ ओनली इन कैश, इसीलिए सोचते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो ये दो बातें हो गई। चलिए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ नटसेल में हमने क्या समझा। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज एनडीटीएल। एनडीटीएल दो चीजों से मिलकर बनता है, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, जो भी पैसा हम जमा करते हैं। हर बैंक का एनडीटीएल अलग अलग होता है। अब अपने एनडीटीएल के हिसाब से जितना एनडीटीएल है उसका 4% बैंक्स अपने 4% आरबीआई के पास जमा करा देती हैं। इसको हम बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश में ही जमा होता है और आरबीआई इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देता और डे टू डे मेंटेन किया जाता है। एसएलआर क्या होता है, एक फिक्स परसेंटेज अपनी एनडीटीएल का बैंक्स अपने पास रखती हैं, जिससे कि अगर कभी नीड हो, मान लीजिए कोई अगर अकाउंट होल्डर है या सारे अकाउंट होल्डर बोले कि हमें अपना पैसा चाहिए, तो उस वक्त बैंक करप्ट ना हो जाए, बैंक फेल ना हो जाए, इसीलिए वो पैसा अपने पास बैंक्स अपने पास रखती ही रखती हैं। इस तरह की और भी नॉलेज के लिए आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और अगर आप किसी और टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे जरूर बताइए, मैं जरूर इस पर वीडियो लेके आऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू क्लिक करके आप अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बराबर में एक बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे फर्दर में अगर कोई भी लेसन ऐड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दैट्स ऑल, आपके सजेशन ऑलवेज वेलकम। अगर आप चाहें तो मुझे कुछ भी चीज सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।